और शिव परंपरा पूरी ध्यान की परंपरा है। अब शिव जी के संपूर्ण पूर्ण चरित्र को देखें तो भगवान शिव जी को कहीं जगह पर आप पूजा करते हुए नहीं देखेंगे, आप भगवान महादेव को कहीं यज्ञ करते हुए नहीं देखेंगे। यज्ञ हमारी परंपरा है, ऋषि मुनियों की परंपरा, पूजा हमारी परंपरा है, लेकिन शिव परंपरा ध्यान की परंपरा है। शिव जी को जहां देखो वहां भगवान महादेव ध्यानस्थ है। भगवान शिव जी का वर्णन शास्त्रों में पुराणों में मिल रहा है, लेकिन बाबा ध्यानस्थ है, तपस्या कर रहा है पहाड़ों के बीच में, सरिता के तट में, सागर के तट पर, पहाड़ों के ऊपर, शांताकारम शिखर शयनम नीलकंठम सुरेशम, निरंतर ध्यानस्थ रहने वाला देव भगवान शिव है। इसलिए वेदांती महात्मा ज्यादातर ध्यानस्थ रहते हैं, पढ़े लिखे महात्मा निरंतर ध्यानस्थ रहते हैं। और शिव महापट ग्रंथ में भगवान श्री हरि भगवान विष्णु जी ने कहा कि नारद, भगवान शिव ही शांति के देव हैं, शांति के स्थापक हैं। नारद ने पूछा कि भगवान विष्णु जी, भगवान शिव जी प्रलय क्यों करते, तो शांति की स्थापना करने के लिए। प्रलय भी एक शांति की स्थापना है, क्योंकि बहुत सब शोर बकोर, सब असुर सुर उपद्रव करते, तब भगवान शंकर जी सृष्टि को शांत कर देते हैं।